Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आंटी बात क्या है वो तो बता दे मुझे। तुम आओ तो सही सब पता चल जाए। अच्छा लेकिन आज नहीं आ सकूंगा। ओके बेटा अगर कोई मजबूरी लेकिन देना। दूसरों के जवान जहां बेटों को फंसाए ना वो लोग। अरे अरे ये क्या क्या कह रही है ये इसको। अरे अरे ये क्या कह। तुम्हें उससे बड़ी हम करती हूँ। जब भी मैं बात करती हूँ तुम उसी की हिमायत करती हो। जो जैसा होता है उसके बारे में वैसे ही सोचा जा। बहुत हो गया बहुत हो गया। खुदा के लिए आप इस घर से अब चली जाइए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग कहाँ हैं? वो सब अंदर हैं। शायद सो रहे हैं। नहीं चची जान सब जाग रहे हैं। मैं तो दादी जान को देखने आया था। तो देख लिया दादी जान को? नहीं वो नरगिस बता रही थी कि वो सो रही हैं। अच्छा ये कि वो सो रही हैं। जान क्या सोचेंगी हमारे बारे में? अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी कब तक छुपा सकते हैं तुम्हारे और अपने बारे में? गौहर घर का माहौल बहुत। हाँ बोलो मम्मी के बारे में क्या कह रही थी? अब नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। अरे बताओ क्या छुपा रही हो मुझसे? वो एक्चुअली अलमास आंटी ने दादी को इतना कुछ कहा आपके और मेरे बारे में कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने सारी बातें अपने दिल पर ले ली। दादी जान मेरी मम्मी की वजह से बीमार हुई? जी पहले भी नहीं बताया मुझे। कहर मैं अब आपको खोना नहीं चाहती। मैं अब चाहती हूँ कि आप मेरा नसीब बन जाए। नरगिस अच्छा रोना तो बंद करो। मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मेरा दिल बहुत डरता है। ऐसे लगता है जैसे तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम फिक्र मत करो चाहे जो। इंशाल्लाह। अच्छा अब आप जाएं। अंदर पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होंगी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज। आप ही अपना ख्याल रखना। अम्मी वो गेट पे साथ आया है। अम्मा क्या कर रही हैं? वो तो दवा खा कर ना। मैं उसको लेकर तो ये बात है जो नरगिस खुर्रम से रिश्ते पर नाखुश है। देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है लेकिन गौहर मेरे साथ कैसे हंस करती। अम्मा जान भी तो नरगिस और आयशा की कितनी तरफदारी करती हैं। और देखो इनके लक्षण। तबस्सुम तबस्सुम हमें देख के इतना कड़वा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? कोई हम नीम की गोली थोड़ी है। बंद करो अपनी जुबान। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। हैं? अच्छा बैठ। मिनटों में हल कर देंगे। हाँ मुझे तो लगता है तुम्हारा गौहर नरगिस के चक्कर में है। ये क्यों कहा तुमने? किसी ने कहा है तुमसे? मैं अम्मा की मिजाज कुर्सी के लिए गई थी। वही मैंने गौहर मियाँ को ना नरगिस के साथ हंस हंस के बात करते देखा है। लो भैया हंस हंस के बात कर रहे थे। ये तो हमें पहले से बात मालूम है। हम तो समझे कि पता नहीं कौन सा बड़ा इंकशाफ करने वाली थी। अगर तुम्हें
पता है कैसी बातें कर रही हो तबस्सुम। वो सारे जहां की नसीबो जली, एक रह गई है हमारे गौहर मियाँ की बीवी बनने के लिए वही। तो फिर गौहर मियाँ को क्यों नहीं रोक लेती तुम? इस बात का ही तो रोना है। गौहर मियाँ तो उस कलमुई के पीछे दीवाने हो रहे हैं। इतना समझाया है उनको लेकिन नहीं भैया, नहीं मानते हमारी बात वो। तो फिर तुम उसके लिए कभी निकट कभी सना को मत ढूंढो, कर दो उसकी। ही नहीं पैदा होता है कि नरगिस की शादी हम गौहर मियाँ के साथ करेंगे। अलमास, बहुत अफसोस की बात है, तुम अपने फायदे के लिए निगत को अपनी बहू बनाना चाह रही हो ताकि नरगिस से तुम्हारा पीछा छूट जाए। अच्छा, ये तुम्हें किसने बात बताई है और तुम्हें किस तरह लगा कि हम यही चाहते? ये जो तुम हर वक्त निगत निगत की रट लगाए रहती हो वो। जरा अपनी बेटी निगत से तो पूछो कि कौन गौहर मियाँ की रट लगाए रखता है। कसम ले लो किसी की, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। आए ना निगत तो पूछ लेना कि कौन रट लगा के रखा हुआ है। रट लगाया गया। बैठ बेटा। जी आंटी, क्या बात करनी थी आपको? तुम सुनाओ, शीजा और अम्मी कैसे हैं? ठीक है, शीजा लाहौर में है और अम्मी उसके साथ वहीं पर। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अम्मा ने तुम हम लोगों की चलती नहीं। आंटी आपसे मुझे अम्मी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो हुआ उसकी तवक्को भी नहीं थी। बेटा अगर तुमको मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो मेरी बेटियों से क्या शिकायत है? सॉरी आंटी, मैं समझा नहीं। अम्मा जान ने तुम्हें डांट के घर से निकाल दिया तो उसका इंतकाम तुम मेरी बेटियों से ले रहे हो। बेटा मैं तो तुमको बिल्कुल समझती थी, जगह समझती थी और तुमने ये हरकत की। और बेटा जब मैंने और मेरी बेटियों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? आंटी जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। बेटा इंसान उसी वक्त शर्मिंदा होता है जब उसका जमीर जिंदा हो जाता है। आंटी आई एम सॉरी, मेरी से गुजरना पड़ा। बेटा हमने तुम्हें माफ किया लेकिन ये बताओ मेरी बेटियों की कोई तस्वीर तो नहीं है तुम्हारे पास? आंटी वो तो आपने जैसी कॉल की थी मैंने तमाम पिक्स। मनान है तुम पे यकीन है, जीते रहो। मैं जानती हूँ कि तुम निगत का नसीब हो लेकिन इसके बावजूद हमारी जान चले अजीज है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती लेकिन जो वो चाहती है वो भी मेरे बस में नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी से शादी का लफ्ज ही निकाल दिया था। बार बार मेरा जहन वकार की तरफ क्यों जाता है? नहीं, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? तुम अलमास से हर वक्त क्यों चिपकी रहती हो? क्यों, अलमास आंटी से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? तुम अभी छोटी हो, अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करो। लेकिन आपको मेरा और उनका मिलना क्यों पसंद नहीं है? वो बहुत शातिर औरत है, तुम उसकी चालाकियों को नहीं समझ सकती।
बट मॉम वो तो आपकी फ्रेंड है ना। मैंने कह दिया ना उससे तुम दूर रहा करो। लेकिन क्यों? हम तुम्हारी माँ हैं और हमने जो कह दिया ना उसको मानो, बहस नहीं करो हमसे। मैं बहस नहीं कर रही हूँ। अच्छा उन्होंने आपसे कुछ कहा है? हाँ उन्होंने कुछ कहा है और तुम सुनोगी ना तो तुम भी सख्ती में आ जाओगी। तो बताए ना ऐसे क्या कह दिया अलमास आंटी ने? उन्होंने कहा है कि तुम हर वक्त गौहर मियाँ की रट लगाए रहती हो। तो इसमें कौन सी हैरत वाली बात है? कमाल करती वो औरत तुम्हें बदनाम करती फिर रही है और तुम कह रही हो कि क्या हुआ? बदनाम नहीं कर रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? बात खुल गई है तो आप मेरी बात गौर से सुन लीजिए। मुझे गौहर पसंद है और मैं शादी भी उसी से करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही, तुम वकार को भूल गई क्या? वकार मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उससे मेरी मंगनी आप लोगों ने जबरदस्ती करवाई थी, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है। अरे दुल्हन तुम सब लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाते हो। अरे अम्मा आप क्या कह रही हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, हमारी साहिबान हैं, आपका तो हम पर बहुत हक है। हाय दुल्हन ये भी तुमने खूब कही, हक और वो भी हमारा। दादी ऐसे तो मत कहें, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम आपके सामने ऊंची आवाज में बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आपका बड़ा हक है हम पे। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना, कानों से सुना भी था कि हारून की बेटी हमें क्या अल्फाज बोल के गई थी। निखत आप भी, दादी जान आप भी उनकी बातों को दिल पे ले रही हैं, आपको पता है ना वो ऐसी ही हैं। अरे तुम सब लोग एक ही जैसे हो, जब वकार को मौका मिलता है तो वो भी बोलने में कम नहीं है, और ये बीबी नरगिस, अरे ये भी तकरीर करने में किसी से कम नहीं है, और तुम तो उसी की बहन हो ना। अच्छा अम्मा आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मा। हाँ हाँ भाई सुला दो, अरे सुला दो एक ही बार मुझे, मेरे हमीद और हारून के साथ ही सुला दो मुझे, बस फिर मेरी आंखें बंद हो जाएं, जो तुम लोगों का जी चाहे वही मनमानियां करते रहना। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही हैं आप, हमें आपकी बहुत जरूरत है, आप तो हमारा साहिबान है। अरे हारून की औलाद हो या हमीद की औलाद हो कोई किसी से कम नहीं है। तुमने खुर्रम को देखा था ना कैसे सामने बैठ के नरगिस से बात कर रहा था, देखा था ना तुमने? दादी ये बातें आप बाद में भी कर सकती हैं, अभी आप आराम करें, डॉक्टर ने आपको मना किया है ज्यादा टेंशन लेने से। अरे हो सकता है ये बात मेरी आखिरी बात हो। दादी आप भी कैसी बातें कर रही हैं ना, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हमें अच्छी तरह पता है कि कौन हमसे कितना प्यार करता है, हमें अपनी औकात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है। अच्छा जाओ तुम लोग तो सो जाओ। अम्मी अभी नींद नहीं आएगी। बेटा कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी, जाओ आयशा लाओ मुझे सूप दे दो। पी लीजिए अम्मा। दुल्हन बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मेरा। लाओ भाई तुम पिलाए बगैर बास थोड़ी आओगी। संडे के दिन आपके हाथ का बना हुआ खाना खाकर मजा आ गया। लो, अगर तुम्हारा पता होता आ रहे हो तो मैं कुछ और भी बंदोबस्त करती। बस खाना थोड़ा मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए और वो भी थोड़ा कम। देखा आंटी डॉक्टर से शादी करने का यही नुकसान है। अच्छा भाई अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच समझ लो, बाद में मुझे तकरीर देते ना फिर ना। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो मैं जरा किचन देखती हूँ। अच्छा कहो क्या फरमा रहे थे?
कुछ नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि डॉक्टर से शादी करनी चाहिए, बहुत ख्याल रखती है। शादी हो जाने दो, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। अच्छा सना, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया था। अच्छा वो क्या? एक्चुअली तो मेरे मामू से मिली थी ना, असल में उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो हैदराबाद में होते हैं। अच्छा, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी दे। मुझे असल में कुछ दिनों के लिए उनके पास जाना होगा। तो तुम उनको यहाँ क्यों नहीं लेकर आ जाते हैं हॉस्पिटल? उन्हें तो ले आऊंगा, लेकिन असल मसला रिदा का है। रिदा? वो कौन है? रिदा मेरे मामू की बेटी है, और मामू का ये हाल है कि वो अस्पताल से दूर भागते हैं। बस चंद दिनों की बात है, मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। अच्छा ठीक है, चले जाओ, तुम्हारे मामू है, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाइएगा। अब तुम यहाँ हो तो मेरा दिल कहीं और कैसे लगेगा। अच्छा चलो। अरे बेटा कहाँ चले, मैं चाय का पानी रखकर आई हूँ। नहीं आंटी, फिर कभी सही, अभी मुझे देर हो रही है, जरा काम था। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी अफसरदा हो रही हो? फैसल अपने मामू के पास जा रहे हैं, उनके मामू बीमार हैं। चलो वो आ जाएगा, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात। अब मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, जहां हर रोज एक नई मुसीबत मेरे सामने होती है। और निकट वो तो मेरी तवक्को से ज्यादा बदतमीज और खुदसर हो गई। शादी ब्याह को तो इस लड़की ने खेल समझ रखा है। ये तो वकार ही है जो इस लड़की को बर्दाश्त कर रहा है। अरे क्या हुआ तबसुम, आज फिर हमें तुम परेशान लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं अलमास। देखो तबसुम, क्या बात है? देखो ना, हम तुम्हारी दोस्त हैं, हमसे दुख सुख शेयर नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? अच्छा तुम्हें बता दे, ताकि तुम जाके सारे जमाने को बता दो। अरे भैया, हमें तो लगता है कि कोई बहुत ही पेचीदा मसला है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती अलमास। कौन सी बात तबसुम? मैं तुम्हारे मामलात में कभी बोली हूँ, या मैंने तुम्हारे घर के मामलात में कोई जासूसी करने की कोशिश की है जो तुम हर वक्त चली आती हो? तुम 100 मरतबा ये बात हमसे कह चुकी हो, और हर बार हम तुमसे कहते हैं कि हम पे तंज कर रही हो, फिर आज पूछ रहे हैं हम पे तंज कर रही हो। तंज नहीं कर रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ कि दूसरों के मामलात में टांग मत अड़ाया करो। इसको टांग अड़ाना नहीं कहते हैं, इसको अपनाइयत कहते हैं। देखो भाई, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। तुम्हें हमारी परेशानी का जरा सा भी ख्याल है ना, तो तुम निकट से दूर रहा करो। लो भैया, ये क्या बात कर दी तुमने, हम तो निकट को अपनी बेटी से ज्यादा चाहते हैं। रहने दो अलमास, हम तुम्हारी चाहत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाह रही हो? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैं जो कहना चाहती हूँ ना, तुम अच्छी तरीके से समझ रही हो। बेटा ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, अब तो खुर्रम भी तो इस रिश्ते पे आमादा नहीं है। मैं खुर्रम से भी बात कर लूंगी अम्मी। अगर मत बनो नरगिस, रिश्ते ऐसे जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। देखो ना, अब मैं और तुम अलग अलग तो नहीं है ना, कितने अच्छे दोस्त हैं हम लोग। निगत हमारी बेटी है, और हम उसकी शादी वहीं करेंगे जहां हम चाहेंगे। तो कर लो, हमने मना थोड़ी किया है। कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला है। तो सीरियस बात करें ना, अभी तक करी नहीं है आपने सीरियस बात। मैं कुछ माह के लिए दुबई जा रहा हूँ। दुबई? दुबई क्यों? बिजनेस के सिलसिले में, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे वहां बुलाया।